रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेट कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड सुनने पे ध्यान देंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अलग है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो डन, उसी का छोटा भाई है। डेट कलेक्शन पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब आज अगर मैंने क्रेडिट पे सामान बेचा कितने दिन के अंदर अंदर पैसे आ जाएंगे, तो और ज्यादा रिफाइंड हो गया ना कि एग्जैक्ट करें 30 डेज, तो कैलकुलेशन आपने और रिफाइन कर दी। तो ध्यान से देखना क्या निकाल रहे हैं हम, डेट कलेक्शन पीरियड ऑल्सो नोन एज एवरेज कलेक्शन पीरियड। डेज में निकाल रहे हो तो डेज अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो टर्टर, अगर आप वीक्स में निकाल रहे हो तो वीक्स अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, और अगर आप मंथ्स में निकाल रहे हो तो मंथ्स अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, अगर आप डेज में निकाल रहे हो तो डेज लेंगे 365। तो जो भी आया फिर वो डेज में होगा, 4 डेज, 50 डेज, 60 डेज, कुछ भी, बट डेज में ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इन डेज। अगर वीक्स में है तो एक साल में कितने वीक होते हैं, वेरी क्लोज, 52, 52 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। कुछ लोगों तो बहुत ही कलाकार होते हैं, कह रहे 48, कह रहे कैसे, एक में 4 होते हैं एक महीने में, तो 12 × 4 48, भगवान ही बचाएगा ऐसे। तो मंथ्स 12 अपॉन, तो सर क्या हो रहा है बेटा, एवरेज कलेक्शन पीरियड आप डेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वीक्स में भी कर सकते हैं, मंथ्स में भी कर सकते हैं। तो अगर डेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डेज अपॉन टर्टर, वीक्स में करना चाहते हैं तो वीक्स अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, मंथ्स में तो मंथ्स में। एग्जाम में अगर आया कि जस्ट कैलकुलेट डेट कलेक्शन पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो डेज में कैलकुलेट करना। फॉर एग्जाम्पल आपका पहले ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो आया 5 टाइम्स, फिर बोल रहा है कैलकुलेट डेट कलेक्शन पीरियड, तो 365 अपॉन 5, तो आंसर आया 73, 73 आंसर है 73 डेज। इसका मतलब आज अगर आपने क्रेडिट पे सामान बेचा तो 73 डेज के अंदर अंदर आपके पैसे नॉर्मली आ जाते। फिर डाउट, तो ये इसका भाई है, किसका भाई, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, तो वो कैलकुलेट करोगे उसके बाद ही तो कैलकुलेट कर सकते हो डेट कलेक्शन पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड।